क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो सबसे पहले हमें इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली है, उसके बाद हमें ये शो करना है कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो ये 50 डिग्री दे रखा है और ये x दे रखा है, तो ये जो 50 है और ये जो x है दोनों एक ही लाइन पर बन रहे हैं, तो ये जो 50 प्लस x है वो 180 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 50 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न लिख देंगे लीनियर पेयर क्योंकि एक ही लाइन पर बन रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से x आ जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 130 डिग्री। तो x हमारे पास आ गया है 130 डिग्री, ठीक है। अब y निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो है 130 डिग्री हमें दिया हुआ है, ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट में हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। CD जो है वो ये जो लाइन जा रही है ट्रांसवर्सल लाइन, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो y है वो इक्वल होगा 130 डिग्री के। रीज़न हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये भी कितना हो गया हमारा 130 डिग्री, और x भी कितना आया है हमारा 130 डिग्री। अब हमें शो क्या करना था कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ए बी लाइन और सी डी लाइन है, यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन दी हुई है, x और y दोनों इक्वल आ रहे हैं, x जो है इक्वल आ रहा है y के, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है 130 डिग्री का, ठीक है। और ये हो जाएंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होते हैं, जब ए बी और सी डी ये दोनों लाइन पैरेलल हो, उसके बीच के जो एंगल बने, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल होगा हमारा सी डी के, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इन द फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 3:7, फाइंड एक्स। हमें यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, और y और z का जो रेशो दे रखा है, y और z का जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है 3:7। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हमें बोला हुआ है कि ए बी पैरलर है सी डी के और सी डी पैरलर है ई एफ के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो भी पैरलर होगी हमारे ई एफ के, ठीक है। तो ए बी ई एफ के पैरलर हो गई। अगर ए बी ई एफ के पैरलर है तो ये जो एक्स एंगल है और ये जो जेड एंगल है, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिखेंगे एक्स इक्वल होगा जेड के, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है क्योंकि ए बी और ई एफ दोनों पैरलर है, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हो गए, तो हमारे पास ये जो एक्स और वाई है ये दोनों कौन से एंगल है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो एक्स प्लस वाई जो है 180 डिग्री होंगे, क्यों, रीज़न लिख देते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। अगर पैरेलल लाइन है दो, उसको एक तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये जो दो एंगल बनेंगे एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, 180 के इक्वल होंगे। अब हमें पता है कि जो गिवन हमें दे रखा था वाई और जेड का रेशो कितना दे रखा था, 3:7, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर x तो z के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे, लेट कर लेते हैं, यहाँ पर y को हम ले लेते हैं 3a और z को हमने ले लिया 7a। तो x की जगह मैं लिख सकता हूँ 7a, क्यों, क्योंकि x और z दोनों इक्वल है, प्लस y कितना है हमारा 3a इक्वल टू 180।
तो tan a इक्वल टू 180, तो हमारा यहाँ से a आ जाएगा कितना, 180 अपॉन में 10, कैंसिल किया तो आ गया हमारे पास 18, तो हमारे पास a कितना आ गया, 18 आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो हमारे पास y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 3 × 18, तो ये हो गया 54 डिग्री, और z हमारा हो जाएगा 7 × 18, ठीक है, तो ये हो जाएगा 126 डिग्री। तो y और z हमारा पता लग गया है, y कितना हो गया 54 डिग्री, और z हमारा हो गया है 126 डिग्री। तो x कितना होगा, x और z तो इक्वल है, तो x भी हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा कितना, 126 डिग्री। क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, हमें यहाँ पर एक फिगर दी हुई है, इसमें ये बोला है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और ई एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर, एंड एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी, ये पूरा एंगल जो है वो दे रखा है हमें 126 डिग्री का। हमें फाइंड करना है एंगल ए जी ई, ए जी ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है, इसको मैंने एक्स ले लिया, एंगल ई जी ई एफ, जी ई एफ, और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको मैंने वाई ले लिया, और एफ जी ई, एफ जी ई, और ये वाला एंगल, इसको मैंने जेड ले लिया। तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो हमें जो दे रखा है गिवन, ये बोला है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, और एक और चीज़ बोला है कि ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर, तो ये जो 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, तो एंगल ई एफ ई डी, एंगल एफ ई डी, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और हमें एक और चीज़ गिवन है कि एंगल जी ई डी, ये हमें 126 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तो जी ई डी, अब पहले सी से स्टार्ट करते हैं, एंगल जी ई और डी, ये हमें दे रखा था 126, तो यहाँ पर जी ई डी, यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, एफ ई, एफ ई और डी, ठीक है, तो ये वाला हमें दे रखा है 126 डिग्री, एंगल जी ई एफ हमें फाइंड करना है, और ये दे रखा है 90 डिग्री, तो एंगल जी ई एफ जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, 126 डिग्री माइनस 90, तो हो जाएगा हमारा 36 डिग्री। तो ये जो एंगल आया है वाई, वो कितना आ गया हमारा, वाई जो हो गया है वो हो गया 36 डिग्री, तो अब y तो हमें पता लग गया है। अब एंगल x निकाल लेते हैं, वो कैसे निकलेगा, ये हमें दे रखा है कि AB और CD दोनों पैरलर है, AB पैरलर है CD के, तो ये जो GE लाइन है ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये जो अंदर एंगल बनेंगे, एंगल AGE, एंगल AGE वो इक्वल होगा एंगल जी ई डी के, जी ई डी के, क्यों, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, तो ये हो जाएगा 126 डिग्री, रीज़न लिख देंगे यहाँ पर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, तो हमारे पास एक्स भी कितना आ गया है, x आ गया है 126 डिग्री, तो x हो गया हमारा 126 डिग्री। अब हमें z निकालना है, तो z कैसे निकलेगा, अब ये x और z दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है, तो x प्लस z 180 के इक्वल हो जाएगा, रीज़न लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर हो गया, और x हमें कितना पता लग गया, 126, तो 126 जमा z बराबर 180, तो z हो जाएगा हमारा 180 माइनस 126, तो हो जाएगा कितना, 50
54 डिग्री, 54 डिग्री आ गया। तो हमारे पास तीनों एंगल फाइंड कर लिए हमने, एक्स बी, वाई बी और जेड बी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला है, इफ़ पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी, जो पी क्यू लाइन है वो एस टी के पैरेलल है, और एंगल पी क्यू आर जो दे रखा है वो 110 डिग्री दे रखा है हमें, और एंगल आर एस टी जो है 130 डिग्री दे रखा है। तो हमें निकालना है एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पी क्यू के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, ये जो लाइन है, ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इसका नाम ए और बी दे दिया, ठीक है। ये जो पैरेलल है पी और क्यू के है, और पी क्यू को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये आगे बढ़ा दिया है, ये हो गया हमारा सी, ठीक है। तो यहाँ पर एस टी पी क्यू के पैरेलल थी, तो ये जो एंगल है 130 डिग्री का, वही एंगल हमारा ये भी होगा, ये भी 130 डिग्री होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इस एंगल का नाम मैंने दे दिया ए, ठीक है। तो हमारा जो एंगल ए होगा वो हो जाएगा 130 डिग्री का, क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ये 130 हो गया है, और यहाँ पर ये 110 दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट मैंने ओ ले लिया है, तो ये क्यू ओ आर एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से 110 है, तो ये वाला एंगल मैं लीनियर पेयर से निकाल सकता हूँ, ठीक है। एंगल आर क्यू और ओ, एंगल आर क्यू और ओ वो आएगा 180 में से माइनस किया 110 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये वाला हमारा कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। इसी तरीके से एंगल आर ओ क्यू निकाल लेंगे, एंगल आर ओ क्यू ये भी लीनियर पेयर से निकलेगा, 180 में से 130 माइनस किया तो ये आ जाएगा हमारा 50 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 50 डिग्री, ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास ये एक ट्राइंगल है क्यू ओ आर, एक ट्राइंगल है जिसके हमें दो एंगल गिवन है और एक्स हमें निकालना है, ठीक है। तो एक्स कैसे निकलेगा, एक्स प्लस 70 प्लस 50 इक्वल टू 180 होता है, ठीक है। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी से आप निकालेंगे कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो x हमारा कितना आ जाएगा, 180 में से माइनस किया इन दोनों का सम 120, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 60 डिग्री का। तो हमारा जो एंगल है क्यू आर एस वो कितना होगा, 60 डिग्री का, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन नंबर फोर्थ को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला है कि ए बी जो है पैरेलल है सी और डी के, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री दे रखा है हमें, और एंगल पी आर डी जो है 127 डिग्री दे रखा है। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमें ये बोला है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी और डी के, ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो ये जो 50 डिग्री है एंगल ए पी क्यू, ठीक है, ये हमारे एक्स के इक्वल होगा, क्योंकि हमारा क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एक्स जो होगा, एंगल एक्स लिख लेते हैं इसे, एंगल एक्स जो होगा इक्वल होगा किसके, एंगल पी ए पी क्यू के 50 डिग्री, ठीक है। रीज़न लिख देते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये हमारे पता लग गया है कितना है, 50 डिग्री हो गया। तो एक्स तो हमारा आ गया है 50 डिग्री। अब हमें वाई निकालना है, ठीक है। अब देखिए, ये जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, तो ये जो पूरा एंगल होगा, ये पूरा एंगल पी आर डी 127 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी क्या है हमारा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही है, ठीक है, इंटीरियर एंगल है। तो हमारा जो 50 डिग्री प्लस वाई जो है वो इक्वल होगा 127 डिग्री के, ये भी लिख देंगे, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, ठीक है। ये पूरा एंगल 127 के इक्वल होगा, तो हमारा वाई कितना आ जाएगा, 127 में से हम माइनस कर देंगे 50 डिग्री को, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 77 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास एक्स कितना आ गया है, 50 डिग्री, और वाई कितना आ गया है, 77 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।
क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें एक फिगर दी हुई है, इसमें बोला गया है कि जो पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ पर पी क्यू और आर एस दो मिरर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल में रखे हुए हैं। ठीक है, एंड इंसिडेंट रे ए बी जो है इंसिडेंट रे है स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। ठीक है, बी पे टकरा कर ये सी पे जा रही है और सी से टकरा कर ये डी पे जा रही है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलॉन्ग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलॉन्ग सी डी, प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में ये बोला है कि जो यहाँ पर एक इंसिडेंट रे है जो ए बी बी पे टकरा कर सी पे जा रही है और सी से टकरा कर डी पे जा रही है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये लाइन है ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे ये बोला है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है आर एस के। ठीक है, आर एस के पैरेलल है। ठीक है, और यहाँ पर ए बी बी सी और सी डी ये क्या है, ये रेज है, आर रेज। ठीक है, और हमें जो प्रूफ करना है वो भी लिख देते हैं। टू प्रूव हमें यहाँ ये प्रूफ करना है कि जो ए बी लाइन है ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होगा, ए बी जो है वो पैरेलल होगा सी डी के। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने बी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पी क्यू पर। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कंस्ट्रक्ट हमने किया है बी एम परपेंडिकुलर है पी क्यू पर और सी एन परपेंडिकुलर है आर एस पर। ठीक है, आर एस, तो हमने यहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट करा है कि जो बी एम है परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। ठीक है, और सी एन जो है परपेंडिकुलर है आर एस पर। ठीक है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये जो बी एम है वो क्या होगा, पैरेलल होगी सी एन के। क्यों, क्योंकि अगर हम किसी भी पैरेलल लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो भी पैरेलल होगी। ठीक है, तो यहाँ रीज़न लिख देते हैं, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल आर आल्सो पैरेलल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर हम पैरेलल लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन भी परपेंडिकुलर वो पैरेलल होंगी। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर जो है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है तो हमारे पास जो एंगल वन है और एंगल टू है वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल वन जो है इक्वल होगा एंगल टू के और एंगल थ्री जो है वो एंगल फोर के इक्वल होगा। क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि यहाँ पर हमने अप्लाई किया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं साइंस में। ठीक है, अगर इंसिडेंट रे हमारी ये है, ठीक है, तो यहाँ से ये जो आएगी रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल वन जो है एंगल टू के इक्वल होगा और एंगल थ्री जो है एंगल फोर के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको हमने फर्स्ट मान लिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो हमारा एंगल वन एंगल टू के इक्वल है और एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर ये पता है कि जो बी एम है वो पैरेलल है सी एन के। ठीक है, तो एंगल टू जो है वो इक्वल होगा एंगल थ्री के। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है तो एंगल टू हमारा एंगल थ्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये पता है कि एंगल वन जो है वो टू के इक्वल है, थ्री जो है फोर के इक्वल है और टू जो है थ्री के इक्वल है, तो हमारा एंगल वन इक्वल होगा एंगल टू के और एंगल टू इक्वल होगा थ्री के और थ्री इक्वल होगा फोर के। ठीक है, अब हम क्यों, क्योंकि ये चीज़ हम देख चुके हैं, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ और ये सेकेंड मान लेता हूँ। ठीक है, तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, इससे हमारे चारों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो एंगल हमारे पास जो एंगल वन है प्लस एंगल टू है वो भी इक्वल होगा एंगल थ्री और एंगल फोर के। ठीक है, ये दोनों का सम और ये दोनों का सम भी इक्वल होगा। ठीक है, इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ एंगल ए बी सी, एंगल ए बी और सी ये लिख सकते हैं, और
तीन और चार को मिला के लिख सकते हैं बी सी और डी एंगल, बी सी और डी एंगल, ठीक है ये लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये दोनों एंगल भी इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये पूरा एंगल इक्वल आ रहा है इस पूरे एंगल के, तो ये भी इक्वल होंगे और ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। तो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये जो लाइन है ए बी पैरेलल होगी सी डी के, ठीक है। तो हमारे पास जो ए बी है वो पैरेलल हो गई है सी डी के, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है।